नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्ट्रेट ड्राइंग के बारे में। तो मैं फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने हेड ड्रॉ किया है। मैं एक फ़ीमेल पोर्ट्रेट को ड्रॉ करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चला जाऊँगा कि किस तरह हमें पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने हेड के लिए ड्रॉ किया है सर्कल, और हेड को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। और जैसे जैसे जहाँ पे मुझे कान नाक मुंह बनानी है, वहाँ पर मैं गाइडलाइन के थ्रू अपनी फेस की जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं बाकी एरियाज़ को ड्रॉ करूँगा। तो देखिए किस तरह से हमें पोर्ट्रेट ड्राइंग करनी है। ह्यूमन ड्राइंग सबसे पहले हेड से ही शुरुआत कीजिए, सबसे पहले हेड को ही ड्रॉ कीजिए। तो हेड जब आप बना लेते हैं तो आपको बाकी प्रोपोर्शन को बनाने में आसानी होती है, क्योंकि हेड के थ्रू ही हमको पता चलता है कि बॉडी का जो प्रोपोर्शन है और लंबाई चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हेड के ऊपर। तो हेड के ऊपर बालों का स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया है, बाल मेरे किस तरह से होंगे उसे मैंने बना दिया है। उसके अलावा बाकी जो फीचर्स होते हैं, जैसे आँख नाक और होंठ, उनके लिए भी आप एक गाइडलाइन खींच लीजिए और साथ ही साथ उन्हें बनाना शुरू करिए। अगर आप ड्राइंग के लिए गाइडलाइंस तैयार करना सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा ड्राइंग करना। गाइडलाइन आप प्रॉपर प्लेसिंग करना, और गाइडलाइन के थ्रू आप जब ड्राइंग करना शुरू करते हैं तो काफ़ी हमको आइडिया लग जाता है, और फ्री हैंड ड्राइंग हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस का यूज़ करते हुए देखिए, मैं आँखों को ड्रॉ कर रहा हूँ और चेहरे के अन्य फीचर्स जैसे नाक और माउथ को भी मैं गाइडलाइंस के थ्रू ही ड्रॉ करूँगा। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नोज़। नोज़ देखिए, नाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, नाक का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आँखों की प्रॉपर पोजीशनिंग के बाद मैं नाक ड्रॉ कर रहा हूँ, और नोज़ बनने के बाद में आप होठों को भी ड्रॉ कीजिए। देखिए किस तरह से प्रॉपर प्लेसिंग ज़रूरी है, हमको प्लेसिंग को सही करने के लिए सही जगह गाइडलाइन खींचनी ज़रूरी है, जिससे हम प्रॉपर प्लेस पे अपने नाक आँख और बाकी चीज़ों को ड्रॉ कर सकें, जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी बन सके और सुंदर बन सके। तो चेहरे के पार्ट्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब धीरे धीरे मैं टॉर्सो वाला एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए सेम उसी तरह आपको गाइडलाइंस का सहारा लेना पड़ेगा, अंदाजे से आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो फेस के फीचर्स ड्रॉ होने के बाद मैं सारे फीचर्स को, जैसे कि आँख नाक आईब्रोज, सारी की डिटेलिंग्स कर देता हूँ। उसके बाद मैं टॉर्सो वाला पोर्शन को एक्सटेंड करते हुए धीरे धीरे बनाता चला जाता हूँ। ड्राइंग का इफ़ेक्टिव तरीका ये भी है कि आप धीरे धीरे और छोटे छोटे पोर्शंस को अपने ड्राइंग के बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट्स को सही सही ड्रॉ कर पाएंगे, उनका प्रोपोर्शन और उनका एंगल, सारी चीज़ों को आप ठीक से ड्रॉ कर पाएंगे, जिससे ड्राइंग में आपकी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। तो देखिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है किसी भी पोर्ट्रेट का, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं पोर्ट्रेट के अंदर उनको आप बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ। उसके बाद जब आप अपने ड्राइंग से संतुष्ट हैं, तब उसकी शेडिंग और ब्लेंडिंग करनी शुरू कीजिए, और साथ ही डिटेलिंग करते चले जाइए। ड्राइंग के कई सारे तरीके होते हैं, इसका कोई थंब रूल नहीं है या कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। कई सारे आर्टिस्ट ग्रिड टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब वो पेपर पे स्क्वायर शेप्स के ग्रिड बना लेते हैं और उस पर अपनी ड्राइंग करनी शुरू करते हैं, पर्टिकुलर हर प्रोपोर्शन को उसमें बनाना चालू करते हैं और एक एक्यूरेसी पाते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने ड्राइंग के या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को तैयार करिए या आउटलाइन को तैयार कीजिए, उसके बाद आप उसकी ड्राइंग करते चले जाइए, उसकी डिटेलिंग करते चले जाइए। इसके अलावा एक तरीका और है कि कोई भी ग्रिड लाइन या गाइड लाइन या कोई भी स्ट्रक्चर बनाए बिना ही ड्राइंग की जाती है। तो कई तरीके हो सकते हैं ड्राइंग करने के, तो इसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा तरीका सूटेबल लगता है या कौन सा तरीका सबसे सरल लगता है, जिसके थ्रू हम इफ़ेक्टिव ड्राइंग कर पाते हैं। बट आपको ये सारे तरीके मालूम होने चाहिए कि किस किस तरीके से हम ड्राइंग को कर सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं। तो एज ए आर्टिस्ट आपको ये सारे तरीके मालूम होने चाहिए,
जिससे आप एक बेहतर और एक अच्छे लेवल के आर्टिस्ट बन पाएँ। तो इस चैनल के थ्रू मैं कई सारे आर्ट ट्यूटोरियल्स वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको आर्ट को सीखने में, समझने में हेल्प मिलेगी और इस चैनल के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो देखिए, मैंने अपने पोर्ट्रेट के बालों के ऊपर वर्क कर लिया है। देखिए, इस तरह से बालों में जो चमक वाला पोर्शन है उन्हें मैं हल्की पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ ही जो डार्क पोर्शंस हैं बालों के उनको मैं डार्क पेंसिल से बना रहा हूँ और बाकी सारी डिटेल्स को मैं धीरे धीरे उभारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप शेड वाला एरिया को शेड करते जाइए और ब्लेंडिंग करते जाइए, साथ ही मेकअप ब्रश और पेपर स्टम्प के थ्रू आप स्मजिंग करते रहिए, जिससे आपकी इफ़ेक्टिव ड्राइंग बन सके। अगर आपके पास स्मजिंग या ब्लेंडिंग टूल्स नहीं हैं तो आप कान साफ करने वाला जो कॉटन बड होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो देखिए, इस तरह से एक एक छोटे छोटे डिटेल्स को आपको बनाने की कोशिश करनी है। जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आप रेफरेंस ज़रूर लीजिए, कोई फोटोग्राफ या इंटरनेट से आप डाउनलोड करके कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं और उसकी पोर्ट्रेट की ड्राइंग आप करनी शुरू कीजिए। कंटिन्यू प्रैक्टिस के थ्रू ही हम एक अच्छा रिज़ल्ट पाते हैं और अपनी ड्राइंग को एक अच्छे लेवल पर ले जा पाते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 आवर पर डे आप दे रहे हैं अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए, तो आप बेहतर कलाकार बन पाएंगे, एक बेहतर आर्टिस्ट बन पाएंगे। फाइन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 1 या 2 महीने की प्रैक्टिस के थ्रू आप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे, इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अगर आप सारी चीज़ों को समझ के और डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप 3-4 महीने, 6 महीने या साल भर में आपकी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो देखिए, इस तरह से पोर्ट्रेट मैंने फ्री हैंड बिल्कुल ड्राइंग की है, किसी तरह से मैंने ग्रिड टेक्निक या अन्य कोई टेक्निक का यूज़ नहीं किया है और फ्री हैंड से ही आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिल सकता है आप चाहें तो, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी निरंतर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो काफ़ी सालों से मैं आर्ट वर्क की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आर्ट मैं कर रहा हूँ, साथ ही ये चैनल स्टार्ट करने के बाद जब मैं आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं भी खुद सीख रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आप भी मेरे साथ जुड़कर अपने आर्ट वर्क में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस मैं इस चैनल के थ्रू लाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर भी जो सिखाते तो हैं, बट उनका सब्सक्रिप्शन इतना महंगा होता है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि हर कोई इस चैनल के थ्रू सीख सकें और अपने आर्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।